एक और अहम खबर, पूरी उम्मीद है अक्टूबर से पहले पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। शेख रशीद का ऐसा कहना है। तमाम क्रेडिट इमरान खान की हुकूमत पाक फौज ज़ेली इदारों को जाता है। शेख रशीद ये कहते हैं कि मौजूदा असम्बलियों की ना कोई अहमियत है और ना ही कोई पजीराई। शेख रशीद ने यह भी कहा कि अक्सरियती जमानतों पर 50 वजीर भी असम्बली नहीं जाते। उन्होंने ट्वीट में ये लिखा कि ये लोग हिंदुस्तान से तिजारत के लिए मरे जा रहे हैं। शेख रशीद की जानिब से ट्वीट किया गया है और उनका ये कहना है कि पूरी उम्मीद है कि अक्टूबर से पहले पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। एक और अहम खबर, पूरी उम्मीद है अक्टूबर से पहले पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। शेख रशीद का ऐसा कहना है। तमाम क्रेडिट इमरान खान की हुकूमत पाक फौज ज़ेली इदारों को जाता है। शेख रशीद ये कहते हैं कि मौजूदा असम्बलियों की ना कोई अहमियत है और ना ही कोई पजीराई। शेख रशीद ने यह भी कहा कि अक्सरियती जमानतों पर 50 वजीर भी असम्बली नहीं जाते। उन्होंने ट्वीट में ये लिखा कि ये लोग हिंदुस्तान से तिजारत के लिए मरे जा रहे हैं। शेख रशीद की जानिब से ट्वीट किया गया है और उनका ये कहना है कि पूरी उम्मीद है कि अक्टूबर से पहले पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।